नमस्कार दोस्तों, नेट शो के एक्सेल लर्निंग सेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज इस पांचवें वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पिवट टेबल। जी हां, पिवट टेबल, लेकिन सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, यानी कि कोई बहुत हाई फाई इन्फॉर्मेशन पिवट टेबल पर नहीं, एक ऐसी इंट्रोडक्शन वाली इन्फॉर्मेशन जिससे एक नॉर्मल यूज़र को पिवट टेबल समझने में आसानी होगी। पिवट टेबल क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं और इसे बहुत इजीली आप अपने डेटा पर लगा करके मनचाहा आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, आज हम यही देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक डेटा है जिस डेटा के ऊपर आज हम पिवट टेबल लगाएंगे। पिवट टेबल लगाने के लिए आपके डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में होना सबसे ज़रूरी है। टेबुलर फॉर्मेट क्या होता है? टेबुलर फॉर्मेट में कोई भी रो ब्लैंक नहीं होती, कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होता। अगर सपोज करिए यहाँ पर मैं एक ब्लैंक कॉलम छोड़ दूँ और पिवट टेबल ऐड करूँ तो पिवट टेबल नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई हेडर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई ब्लैंक रो छोड़ दूँ और उसके बाद कीपैड से पिवट टेबल लगाने की कोशिश करूँ बिना डेटा को सेलेक्ट किए, तो पिवट टेबल केवल इतने डेटा पर लगेगा, ब्लैंक रो के बाद वो सेपरेट हो जाएगा। तो पिवट टेबल लगाते हैं, सबसे पहले ब्लैंक को हटा लेंगे, रोज में भी और कॉलम्स में भी। ओके, तो पिवट टेबल लगाने के दो तरीके हैं, एक माउस से है और एक कीबोर्ड से है। सबसे पहले हम देखते हैं माउस से कैसे यूज़ करेंगे। हेडर से लेकर के एंड तक के डेटा को आप सेलेक्ट कर लें, टैब में इंसर्ट टैब में जाएं, पिवट टेबल का एक पूरा टैब बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन आएगा, इसमें है सेलेक्ट डेट, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। अगर आपने पहले से सिलेक्शन कर रखा है तो ये उस रेंज को हाईलाइट कर देगा, अगर नहीं किया हुआ है, सीधे क्लिक करते हैं तो आपको रेंज सेलेक्ट करनी होगी। कैसे, देखते हैं, क्लिक कर दें। अब आप देखें तो जिस डेटा पर हमारा कर्सर था, इसने उस टेबल को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन अगर हमारा कर्सर डेटा पर नहीं होगा तो ये कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेगा और हमें मैन्युअली इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम मैन्युअली इस डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं पिवट टेबल में हमारा डेटा कॉलम B5 से शुरू होकर के F18 तक गया है। ओके प्रेस कर देंगे। अब पिवट टेबल आप देखें तो आ गया है। पिवट टेबल हमारा शुरू हुआ से होगा जहाँ पर हमने कर्सर को रखा था। एक बार फिर से देखते हैं, डेटा के बाहर अगर आपने कहीं पर कर्सर रखा है तो वहां से पिवट टेबल शुरू होगा, अगर नहीं रखा है तो ये आपसे पूछेगा। हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर मैं लार्ज करके दिखा देता हूं। सबसे पहले तो हमारी पिवट टेबल की रेंज, जो डेटा है उस रेंज को इसने ले लिया है। उसके बाद में ये हमसे पूछ रहा है, चूज वेयर यू वॉन्ट पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप किसी नई वर्कशीट में ले जाना चाहते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगा, ओके प्रेस करते ही नई वर्कशीट में चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने डेटा को एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही लेना चाहते हैं तो आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर जा करके लोकेशन यानी सेल का नंबर आपको देना होगा। हम यहाँ पर इसी वर्कशीट में लेंगे, लोकेशन पर जाएंगे और हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें पिवट देना है। पिवट हम ले लेते हैं H6 पर। अब आप देखें तो केवल एक सेल को मैंने सेलेक्ट किया है। वापस से जाएंगे, ओके प्रेस कर देंगे। आप देखें H6 से पिवट टेबल का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है और यहाँ पिवट टेबल की फील्ड आ गई है। हमारे सारे हेडर्स चूज फील्ड में आ गए हैं। चूज फील्ड के ठीक नीचे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं जिनमें हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहला है फिल्टर्स, रोज, फिर कॉलम्स, फिर वैल्यूज। अब जैसा कि है स्टेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, तो सबसे पहले हम स्टेट को फिल्टर में ले लेते हैं। अब आप देखें ऊपर आ गया है ये। अब फिल्टर में जैसे ही हमने लिया है, इसने फिल्टर लगाकर हमें दे दिया है जहाँ पर हम स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिंगल क्लिक से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने के लिए मल्टीपल पर क्लिक कर दें, ओके कर देते हैं। अब प्रोडक्ट मांग रहा है, सॉरी, अब ये हमारे पास बाकी के ऑप्शन बचे हुए हैं, रोज और कॉलम में हम ले जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को
रोज़ में ले लेते हैं। अब आप देखें तो रोज़ में प्रोडक्ट आ गया है और वैल्यू को हम वैल्यू में ले लेते हैं, ये सम ऑफ वैल्यू आ गया है। अगर इसे हम सम नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करिए, सीधे लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट नहीं करेंगे, और वैल्यू फील्ड सेटिंग पर जा कर के हम इसे अपने मन से कुछ भी करवा सकते हैं। ये बिल्कुल वही ऑप्शंस हैं जो सब टोटल में ऑप्शंस आते हैं, सम, काउंट, एवरेज, मोस्टली सम और काउंट यूज़ किया जाता है। अब आप देखें तो इसने सम दे दिया है। ऊपर स्टेट के नाम चूँकि फिल्टर में गए हैं तो सारे स्टेट के नाम गए हैं। अब अगर हम इसे ओपन कर लें और यहाँ पर केवल राजस्थान को सेलेक्ट कर लें तो हमें राजस्थान का ही पिवट टेबल डेटा दिखाएगा, लेकिन हम यहाँ पर सारे स्टेट ले लेते हैं। अब यहाँ पर वापस देखें, फिल्टर्स में से हम स्टेट को हटा देते हैं। हटाने के लिए हमें क्या करना है, सीधे इसे यहाँ पकड़ना है और वापस ड्रैग कर देना है चूज फील्ड में। आप देखें यहाँ पर फिल्टर हट गया है। अब स्टेट को हम वापस लेते हैं और प्रोडक्ट के पहले ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करते हैं ये कॉलम वाइज हमारा डेटा शुरू हो गया है। सबसे पहले एक स्टेट का नाम है, फिर उस स्टेट से रिलेटेड प्रोडक्ट, दूसरे स्टेट का नाम, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे हमें ये डेटा दे रहा है। लेकिन हमें इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमें चाहिए सारे स्टेट के नाम एक लाइन में आए, उनके आगे प्रोडक्ट के नाम आए और उनके आगे वैल्यू आए। तो हमें यहाँ पर सिंपली जहाँ पर हमारा पिवट टेबल अपीयर हुआ है वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, एक हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा पिवट टेबल ऑप्शन, इसमें डिस्प्ले पर जाएंगे और यहाँ पर क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, क्लासिक पिवट टेबल लेआउट पर क्लिक करेंगे, ओके प्रेस कर देंगे। अब आप देखें तो ये थोड़ा सा एक अरेंज्ड फॉर्मेट में आ गया है, लेकिन इस फॉर्मेट में ये हर स्टेट का सेपरेट सेपरेट टोटल कर रहा है। अगर हमें सेपरेट टोटल चाहिए तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, अगर सेपरेट टोटल नहीं चाहिए तो यहाँ राइट क्लिक करिए और सब टोटल स्टेट पर अनचेक कर दीजिए। जैसे ही अनचेक करेंगे सारे स्टेट्स का अलग अलग आ गया और हर स्टेट का प्रोडक्ट उसके सामने है और प्रोडक्ट की वैल्यू उसके ठीक सामने है। अब कॉलम को यूज़ करना, कॉलम वाले फील्ड को यूज़ करना हम सीखेंगे। प्रोडक्ट को उठाएंगे और कॉलम वाले फील्ड में ड्रॉप कर देंगे। स्टेट्स के नाम हमारे पास रोज़ में हैं, प्रोडक्ट के नाम कॉलम में हैं और उनकी वैल्यूज़ हमारे पास सम करके आ रही हैं। इसे हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को वापस रो में ले आएंगे और स्टेट को वापस कॉलम में ले जाएंगे। अब आप देखें तो ये प्रोडक्ट वाइज स्टेट वाइज हमारे पास डेटा आ गया है, जिसे हम अपने हिसाब से अपने तरीके से चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पिवट टेबल का एक आसान, सिंपल और इंट्रोडक्टरी वर्जन। यहाँ पर वैल्यू में आप देखें तो हमारे पास सम की फील्ड आ रही है, लेकिन अगर हमें सिर्फ क्वांटिटी चाहिए तो हम इस वैल्यू को वापस चूज फील्ड में लेते जाएंगे और क्वांटिटी को उठाकर यहाँ ले आएंगे। सम ऑफ क्वांटिटी हर स्टेट की प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी दे रहा है। इसे बिल्कुल वैसे ही हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्टेट को रोज़ में ले जाएं और प्रोडक्ट को कॉलम में ले जाएं। जैसे ही ले जाते हैं आप देखिए हमारे पास स्टेट रो वाइज डेटा में आ गया और प्रोडक्ट कॉलम वाइज आ गया और उनकी क्वांटिटी सम होकर आ रही है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा और पिवट टेबल की पहली इंफॉर्मेशनल वीडियो में आपने क्या सीखा, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम कवर करेंगे पिवट टेबल में कैलकुलेटिव फील्ड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेट शो।